हेलो मेरे मैकेनिक भाई, फिर से एक नए वीडियो आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज मेरे सामने देख सकते हैं लेटेस्ट बाइक वह 23 मॉडल होंडा ग्रेजिया 125 BS6 इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर, सॉरी होटल बॉडी, मतलब BS6 5.0 स्टार्टर में इस बाइक का सोल्यूशन मतलब ना प्रोग्राम क्या कर रहा है, वाइल लीक कर रहा है। इस बाइक में आप देख सकते हैं हम लोग का वेरिएटर से वाइल लीक कर रहा है। तो इस वीडियो हम लोग सीखने वाले इस तरह प्रोग्राम के पास आए तो किस तरह सोल्यूशन निकलेगा, साथ ही साथ इसको खोलने का तरीका बताऊंगा, इस तरह से आपको कैची क्लास से खोलने का तरीका बताऊंगा, साथ ही साथ डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे ये वेरिएटर किस तरह फिटिंग करना, क्लच असेंबल किस तरह फिटिंग करना, डिटेल से वीडियो बना। वीडियो पूरा देखिए और चैनल पहली बार आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग लाइक कीजिए। यहाँ से मेरा वायर लीक कर रहा है, यहाँ 10 नंबर का जो बोल्ट है इसको अपन करने से हम लोग का बाहर आ जाएगा। तो पहले गाइस सिर्फ इस ये ऑलसीज रहता था, पूरा सीज नहीं रहता था, या क्लच का मेरा असेंबली सारा सामान रखा हुआ है। तो अब चलेगा इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं साफ समय मैंने कर लिया, यहाँ सारा बोल्ट देंगे इस चीज़ को, सो हम थोड़ा सा हम लोग बोल्ट लगा के पैक करेंगे उसको, कहा कि वायर लीक कर रहा था इसी कारण से हम लोग मैंने वायरिंग चेंज किया उसका और बोर्ड देकर इसके पैक करूंगा मैं इसको। तो बोर्ड लगा लिया है, अब चलिए इसको पैक। यहाँ बोर्ड है, डॉल पिन है, इसको ध्यान दें, डॉल पिन होना बहुत ही जरूरी। डॉल पिन नहीं दीजिएगा तो दिक्कत हो सकता है बैठेगा नहीं ठीक से, आप पंप का गरारी वगैरह से चेक कर ले। पहले क्या सोचा था कि हम लोग का पहले ना मतलब सिर्फ ऑयल से चेंज करने से कम बने, बट अब काम नहीं बनेगा, ऑयल से चेंज हम लोग वायरिंग में चेंज करना पड़ेगा। दो चीज़ आप लोग को बन गया, पहले का सिर्फ ऑयल से लगता है। अब यहाँ पर एक दो असर मिलेगा एलुमिनियम का नट के 10 नंबर के बोर्ड के साथ, नट के साथ एक बड़े एलुमिनियम को असर मिलेगा, दो एक एक करके दोनों में दो असर मिलेगा। तो चलिए इसको असर के ला के मैं इसको लगा लूँगा, दूसरा भी लगा लूँगा इस तरह से। और ऊपर का जो भी वहाँ पर लगना है इस तरीके और एक एलुमिनियम का बोल्ट नट लगने वाला है। तो चलिए इसको लगाता हूँ, थोड़ा सा मैं ठोक भी लूँगा अच्छा से छाव का तापा बैठ जाए, या अगर ऐसे करेंगे तो तेज छा बैठेगा फिर वायर लीक फिर कर सकता है, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे ठोक के बैठाऊँगा। वीडियो इंटरेस्टिंग बहुत होने वाला आज का, मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का जानकारी मैं अपने चैनल का डेली दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को दबाइएगा तभी अपडेट आपको डेली पहुँचेगा। तो चलिए इधर का मैंने स्टार्ट कर दिया, अब सर क्लच का फुल फिटिंग बताऊँगा, वीडियो आगे तक बने रहिए, क्लच का फुल डिटेल्स बताऊँगा। सब बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है वेरिएटर में, नेट में, सारा चीज़ में बदलाव है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखें तब भी समझ में आएगा। एक स्प्रिंग है इस तरह से, बोल्ट है इसको लगाना है, वीडियो को पूरा देखिएगा ना। इसको आप लोग को कभी भी इस तरह का अगर न्यू मॉडल बाइक आता है BS6 है दोस्तों, पहले का बाइक में काफ़ी ज़्यादा बदलाव है, पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है, इसलिए गाइस इस बाइक के खोलते समय मैं भी थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ा था, बट इस वीडियो को देखने आप लोग कन्फ्यूजन नहीं पड़ेगा। ऐसे ज़्यादा बोल्ट है चैम्बर निकालते समय स्क्रीन आप लोग को दिखा दूंगा कि काफ़ी ज़्यादा बोल्ट है ना, मैंने गाइस तो फंस चुका था इस चीज़ को लेकर। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, वीडियो पूरा देखिएगा। तो मैंने इधर का सारा चीज़ कंप्लीट कर दिया है, जो मगर 3 बोल्ट लगा दिया है, अब चले हम लोग क्लच का ब्रेकर, क्लच का जो होना पड़ेगा ब्रेकर उसको लगाना है और क्लच का असेंबली को लगाना है। तो मेरे पास वेरिएटर है इसको लगाएंगे, तो सबसे पहले वेरिएटर गोल्ड लगाएंगे। आप चाहे थोड़ा ग्रीस यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे भाई बोलते हैं ग्रीस यूज़ करना नहीं, बट मैं कहता हूँ यूज़ कर सकते हैं, बेहतर ग्रीस यूज़ कर सकते हैं मैं, बट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड में डाल रहा हूँ, अपने भी डाल रहा है, और कोशिश करें कि उसमें ग्रीस यूज़ करें। तो चलिए मैं इसको लगाऊंगा इस तरह से, गोली को गोली को अच्छा से बैठा ले, सीधा गोले वगैरह कट चुका उसको रिप्लेस कर दें। तो चलिए गाइस अब इसका हम लोग सेंटर को लगाएंगे, हम लोग को सेंटर का पर जब हम लोग रबड़ रहता है वो सारा उल्टा नहीं लगेगा, सीधा ही लगेगा, और उल्टा कोशिश की जगह लगाने का तो कुछ उपाय नहीं लगेगा नहीं, तो कोशिश करेंगे उसको सीधा लगाए, उल्टा लगेगा नहीं दोस्तों, सीधा लगाए। तो तीन रहा था तीनों को अच्छा से लगाना, लगाने के बाद हम लोग इस तरह से इसीलिए बैठा लेंगे सेंटर में, बैठ जाएगा कुछ दिक्कत नहीं करेगा। अब इसको चलिए लगा लेते हैं, पीछे का उसको असर और नहीं जिसका ध्यान दीजिए, पीछे को असर नहीं लगता है। अब इसका बूस को लगा लेंगे, बूस इस तरह से लग जाएगा इजीली, बूस लगाने के बाद चलो हम लोग क्लच का असेंबली का पैक करते हैं। तो गाइस मेरा क्लच का असेंबली, वीडियो बस पूरा देखिएगा, इंटरेस्टिंग बहुत है। तो चलिए अब इस तरह से लगा लेंगे हम लोग वीडियो गाइस, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ वीडियो पर, ताकि शॉप में काम करते करते कस्टमर रहता तो वह सामान देना है तो पॉसिबल नहीं, इसलिए वीडियो वॉइस ओवर कर रहा हूँ, आप लोग वॉइस ओवर करके बता रहा हूँ। तो हम लोग तो क्लच का जो पुली है बहुत ही बड़ा दिया गया, पहले अकॉर्डिंग पहले हम लोग छोटा था ना, हम लोग हाथ डाल के ना दाब सकते थे कि हम लोग ब्रेड लूज होता, बट इसमें हाथ घुसता है तो बड़ा कर दिया, ब्रेडर का ब्रेड लगा देंगे घर का अच्छा से बिठा लेगा, इसको सही से बिठा लेगा, हम लोग का हिरट जो होता नीचे का ना क्रेंग का सा वो ख़राब हो जाएगा, तो फिर क्रेंग किस काम का नहीं रहेगा, फिर क्रेंग बदलना पड़ेगा आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना।
ऐसे जो स्टार्टर रहेगा इसलिए इस तरह का, अगर नॉर्मल स्टार्टर रहेगा मोटर तो उसमें बस यहाँ से पिनियन दिया रहता है। तो चलो क्लच कटोरा लगा ले, कटोरों का सैंड पेपर मान लें, आपको लग रहा है कटोरा निशान आ गया, सैंड पेपर मार के कटोरों का लगाने की कोशिश करें। तो एक वॉशर है और एक 19 नंबर का बोल्ट है, 19 नंबर का बोल्ट है, इसको अच्छा से लगा ले। पहले हमारे 14 या 17 नंबर का यहाँ रहता था बोनट, बट अभी 19 नंबर का 19 नंबर का कर दिया है। तो बेल्ट को इस तरह थोड़ा सा दाबेंगे, उंगली का जाता नहीं, पहले का हम लोग पूरा उंगली दाब के इस तरह खींच सकते थे हम लोग का उंगली, हमारा बेल्ट बैठ जाए, बट इसमें नहीं होता है कि ना टाइट जाता है, मतलब ना उंगली जाता है, लेकिन जुगाड़ नहीं मिलता दाबने का। अब चाहे रेचर लगाएंगे, रेचर लगाने के बाद वॉशर लगाएंगे इस तरह से। तो बस यही सब जानकर अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाय समय का नट लगा लेंगे आप फाइनली कंप्लीट कर देंगे। वही था आज का जानकारी, अगर जानकारी थोड़ा सा भी हेल्प लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली गाइस इस तरह का आपको जानकारी लेगा, आ सकूँ आप लोगों को दिखा सकूँ अच्छा से, ग्रेटर को बैठा के टाट करें जो उनका रिचार्ज उसको अच्छा से बैठाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कुछ अच्छा से जानकारी, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।